वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज बना रही हूँ मैं साबूदाने के पापड़। ये आधा किलो साबूदाना है, इसको मैंने धो लिया और ये पानी रख दिया इतना, आधे आधे भोने से कम, और ये खोल गया। तो इसमें अब ये डाल देती हूँ साबूदाना। पानी थोड़ा ज्यादा लग रहा था इसलिए मैंने निकाला था पहले, कम लगेगा तो वही पानी में डाल दूंगी। मैं साबूदाने के पापड़ बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। बस साबूदाने को पकाना है, जब तक ये साबूदाना बिल्कुल गल नहीं जाता तब तक ये पकाना है। इसमें डालेंगे नमक और जीरा। चलाते हुए पकाना है क्योंकि लग न जाए ये साबूदाना, लगने का डर रहता है। और ऊपर कैसे फैलाने वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत ही सिंपल है, इनको बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। और बच्चे सबसे ज्यादा साबूदाने के ही पसंद करते हैं। जीरे से इसकी खुशबू और टेस्ट दोनों बढ़ जाते हैं। ऐसे हाथों से क्रश करके फिर डालना। और इधर मैंने चावल भी धो करके रख दिए, चावल के भी बनाऊंगी आज। ये देखिए कुछ ऐसे पक रहे हैं, ये अभी साबूदाना फूल चुके हैं, ये बिल्कुल पक जाएंगे, ये ऐसे हो जाएंगे जैसे ट्रांसपेरेंट, तब तक इनको पकाना है। साबूदाना पक चुका है और मैंने गैस को कर दिया है बंद। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते, रख देते हैं ढककर। और अब चलते हैं ऊपर। और अब मैं पुराने से दुपट्टे को बिछाने लगी हूँ क्योंकि कल जो बनाए थे पापड़ उनको इस पर सुखाना है, और जो पॉलीथीन पर बनाए थे उसको खाली भी करना है। तो क्योंकि आज भी मुझे कुछ पापड़ बनाने हैं इसीलिए पॉलीथीन खाली करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कल वाले पापड़ और चिप्स हैं जो कि अभी बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं, इनको मैंने ये पुराने से दुपट्टे पर ये सुखा दिया है और ईशु मेरी हेल्प कर रहा है। कल आप लोगों ने देखा था आलू के मिर्ची वाले पापड़ बनाते बनाते मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी। इतनी तेज़ धूप थी कल कि जिसकी वजह से मेरे सर में दर्द और मेरा चेहरा बहुत ही लाल पड़ गया था। कल नहीं देखा है तो कल वाली वीडियो में देखिएगा। बंदर आ गए, नहीं जाएगा नहीं जाएगा, देखो एक ऊपर बैठा। चलो, पका हुआ साबूदाना थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो अब हम इसको ऊपर ला करके और साबूदाने के भी पापड़ बनाने लगे हैं। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, अगर ज़्यादा ठंडा हमने कर लिया तो इसको बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस चमचे से लेना है और थोड़ा थोड़ा करके पॉलीथीन पर डाल देना है और इसको बस सुखाना है। बहुत ही आसान होते हैं। साबूदाने के पापड़ तो ऊपर हम लोग बना आए हैं और अब मैं नीचे आकर के मैंने दोबारा उसी भगोने में पानी रख दिया उतना ही, और चावल जो मैंने धो के रखे थे वो पीस लिए हैं। ये देख, और इसमें भी डालेंगे नमक और अब डालेंगे अजवाइन। जीरे के हो गए साबूदाने के, तो एक अजवाइन के भी होने चाहिए ना, फ्लेवर अलग अलग हो जाता है, अच्छा लगता है। अजवाइन को भी ऐसे हाथों से क्रश करके डालेंगे। और पानी खोलने वाला है और इसको डालने में बड़ी सावधानी करनी है क्योंकि इसकी बन जाती है गांठें, तो वो गांठें ना बने, धीरे धीरे करके डालना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और चलाते रहेंगे। पिसे हुए चावलों को हमें तब तक पकाना जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता, और ये अच्छे से पक भी जाता है, और इसके बाद फिर इसकी बनाएंगे हम फूल बरी। और क्या? तो एकदम गोल बनाओगी क्या? हाँ, देख लिया जी, या दम निकालेंगे धूप में। हाँ। गोल और मोल दिख रहे हैं। नहीं, छूट जा।
वैसे ये फविस्टर है बनाने में और इन पे एक ना बने, मैंने कभी ना बनाया और मैं बनाते जा। आप बनाती नहीं पापड़? ना बन गई जी फूलवरी, इनको बोलते हैं फूलवरी। और ये थोड़े से साबुदाने के, ये कल के सूख रहे हैं मिर्ची वाले आलू के पापड़, ये थोड़े से चिप्स वो उधर साबुदाने के। और अभी बंदर भी मुझे दिखाई दे रहा था, तो ये थोड़े से मैंने बना ही लिए। आखिर मैं बैठी हूँ यहाँ पे छाता लगा के, धूप, कल भी हालत मेरी ख़राब हो गई थी और आज भी देखो धूप है। ये भी नहीं है कि कहीं छाए में बैठ जाओ, एक तरफ बैठ जाओ तो दूसरी तरफ से आ जाता बंदर, ऐसी जगह बैठना पड़ेगा जो दोनों तरफ से देखूं, इधर से भी देखूं इधर से भी देखूं किधर से आ ना जाए बंदर कहीं। थोड़े थोड़े मैंने सब बना ही लिया। सोच तो ये रही थी कुछ नहीं बनाऊंगी, पर हिम्मत कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। मदद के लिए मेरे हाउस हेल्पर है ना, उन्होंने बहुत मदद कर दी तो बन गए। आज भी उन्होंने ही मदद करी, हम दोनों ने ही बना दिए फूलवरी। अब ऊपर यीशु को बिठा दिया है छत पे कि पापड़ देखता रही हो बंदर ना आ जाए। और अब मैं नीचे आ गई हूँ, भूख लग गई है सभी को, तो मैं खाना बना रही हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ आज पालक की हरी वाली सब्जी बिना आलू के भुजिया। तो मैंने पालक को साफ कर लिया है और उसको काट करके धो भी लिया है और इसको पानी में निकाल के रख दिया छलनी में। कढ़ाई में सरसों का तेल दे दिया है मैंने, और अब हींग जीरा डालते हैं और ये एक प्याज और दो तीन कली लहसुन की मैंने ये काट ली है। प्याज भी डाल दिया, अब थोड़ी सी प्याज को भूनेंगे। गैस फुल कर दिया, प्याज भून चुकी है, गैस को कम कर दिया मैंने। और ये पालक को डाल देते हैं, लाल मिर्ची पाउडर डाल देते हैं, जितना तीखा हमें अच्छा लगे उतना, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देते। ये देखिए पालक में से कितना पानी छूटने लगा है, तो फुल गैस पर ही पकानी है, थोड़ी देर ढक करके पकाएंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे। तो ये सब्जी में बनाया ही थी और रोटी बनाई है ज्योति ने। और देखो मैं ऊपर आ गई हूँ, यीशु नीचे चला गया तो रोटी ऊपर आ गई है। और मुझे डर लग रहा है वो चला भी गया, यीशु तू चला भी गया और बंदर आ गया तो। ये देखिए सब्जी ऐसे फील हो रहा है जैसे खेत पे ना खाना आ जाता। ज्योति रोटी बना रही है गरम गरम, अब मैं खा लेती हूँ। बहुत अच्छी लग रही सब्जी, एक बार जरूर बनाना ऐसे। यीशु को बिठा कर गई थी और बर्तन साफ करके आई हूँ, अभी तो एक घंटे और बैठना है। सब अच्छा, अभी तो और धूप है, अभी तो धूप। हाँ सेकते हैं, इतने सूख गए कोई सेकने के लिए, अभी दो दिन और सुखाने पड़ेंगे पता है। चलो मैं बैठती हूँ, अभी थोड़ी देर में बुलाऊंगी रखने के लिए, तब आ जाना ठीक है। जाओ, अब मैं आ गई हूँ, अभी 4:15 हैं, अभी तो टूट जाएगा। हाँ थोड़ा सा कर, स्लो कर दिया, रख दे। बंदर तो नहीं आया था? कोई नहीं दिख रहा मेरे को तो, अभी नहीं। अभी तो तेज धूप है, अभी तो थोड़ी देर और पड़ा रहने दे। कह रहा है अभी से रख दो उठा के। ऊपर छत पे कितनी गर्मी है, बहुत गर्मी है, और नीचे अच्छा लगता है। आता देखो कैसे
थोड़ा सा छोड़ दो तो ही चला जाता है। बर्तन इतने सारे हो गए थे गंदे, क्योंकि ये बनाए थे ना साबुदाने के और चावल के भी, तो बहुत गंदे पड़े थे। तो मैंने कहा था इसे थोड़ी देर बैठ जाए यहाँ पे, मैं बर्तन साफ़ करके अभी आती हूँ। बर्तन साफ़ करके तुरंत फिर मैं आ गई हूँ, उसे नीचे भेज दिया। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे दूसरे दिन। तो सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरी गुड मॉर्निंग। कल फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी थी, क्योंकि शाम हो गई थी और फिर मुझे घर के भी थोड़े से काम थे। मैंने पापड़ सब रख दिए थे उठा करके, और नीचे जा करके थोड़े से घर के काम भी होते हैं तो वो मैंने किए थे। और फिर मैंने अपना वृंदावन वाला ब्लॉग एडिट किया था, उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था। और वो ब्लॉग एडिट करने में ना जो मुझे आनंद आया ना, मुझे बहुत अच्छा एडिट करने में ही बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है ना तो ज़रूर देखिएगा हमारा वृंदावन वाला ब्लॉग। और आज मैं नहा धो करके ऊपर कपड़ों को लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे सारा दिन यहीं बैठना है, तो मैंने कपड़े भी धूप में ही सुखा दिए हैं। और अपने सारे पापड़ वापड़ जो भी मैंने कल बनाए थे उनको भी यहीं पर सुखाने के लिए डाल दूँगी। कल के बाद से अब मैं मिल रही हूँ आपको दूसरे दिन। ये दूसरा दिन नहाना धोना मेरा हो गया है, खाना मैंने सब बना दिया है, और सुबह के बज गए हैं 11। तो 11 बजे मैंने यहाँ पे आके पापड़ों को भी डाल दिया, साथ में कपड़ों को भी डाल दिया है, और अब यहीं बैठना है पूरा दिन। अभी थोड़ी सी यहाँ पर छाएँ हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल भी छाएँ नहीं होती, छत पर छाता लगा कर बैठना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है। ये साबुदाने के पापड़ को कल मैंने पलटा नहीं था, ऐसे ही उठाकर रख दिया था, और अब फिर से धूप में डाल दिए हैं, और थोड़ी देर धूप लग जाएगी तब इनको पलट देंगे। और उधर चिप्स सूख रहे हैं, और ये फूलवरी ये तो अपने आप ही पलट गई थी, अपने आप छूट गई थी पॉलीथीन से। और उधर मेरे आलू के मिर्ची वाले भी सूख रहे हैं, तो मैंने थोड़े थोड़े करके सारे थोड़े थोड़े बच्चों के लिए बना ही लिए हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले।